कुरलुस उस्मान का सीजन 4 एपिसोड 125 इंतहाई ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसमें आप देखेंगे कि उस्मान सरदार सफेद दाढ़ी वालों के पास आ चुके थे और कह रहे थे, चले बताएं कि नायमान का असल हदफ क्या है। जिसके जवाब में एक सफेद दाढ़ी वाला कहता है, इल्हानी हाकिम गजाल खान की कबूलियत इस्लाम की वजह से मंगोलों के दरमियान अफरा तफरी है। दूसरा शख्स कहता है, अनातोलिया की हुक्मरानी ना मिलने की वजह से बगावत का आगाज कर दिया गया है। नायमान और उसका भाई तालाई इस बगावत को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह सुनकर उस्मान सरदार कहते हैं, ठीक है, उन्हें आपस में ही लड़ने देते हैं। तो एक सफेद दाढ़ी वाला कहता है, लेकिन उनका असल हदफ एक रियासत का क्याम है। तालाई ममलूक रियासत में फौज जमा कर रहा है और नायमान यहाँ पर मजबूत हो रहा है। उस्मान सरदार कहते हैं, इसीलिए नायमान अपनी पूरी ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उनकी चालें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हैं, लेकिन उनका बनाया गया इत्तिहाद सिर्फ इस्लामी सरजमीनों पर जुल्म का बाइस बनेगा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, उन्हें रोकूंगा। सफेद दाढ़ी वाला कहता है, ये सिर्फ आपका परचम बुलंद है, इसीलिए ताकत और शुजात आपके पास है उस्मान साहब, सिर्फ आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं। जिसके बाद एक सिपाही उस्मान गाजी को एक मकतूब पेश करता है। सफेद दाढ़ी वाला कहता है, खलीफा की तरफ से। यह सुनकर उस्मान गाजी मकतूब ले लेते हैं और उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नायमान अपनी करारगाह पर मौजूद था और सावेली भी वहीं पर था। नायमान कहता है, बताओ कोनिया में क्या चल रहा है। सावेली कहता है, कोनिया हमारे मातहत है कमांडर नायमान, सुल्तान अलाउद्दीन सिर्फ हमारा साया है, वालिदा सुल्तान असल खतरा वो है, वो मुर्दा रियासत को दोबारा जिंदा करना चाहती है। यह सुनकर नायमान कहता है, वालिदा सुल्तान, वो बंद पिंजरे में चाले चल रही है, लेकिन मैं उसकी तमाम चालों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। अगर उसने गलती की तो उसका बेटा अलाउद्दीन हमारा साया भी नहीं रहेगा, वो मरेगा। मैं उस्मान के साथ साथ वालिदा सुल्तान से भी लड़ूंगा। सावेली कहता है, आपके जहन में क्या चल रहा है कमांडर नायमान। नायमान कहता है, मुझे आवाज आ रही है, वो आ रहा है। इसी तुरंत कोई वहां पर आने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सरदार कह रहे थे, ये मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, खलीफा हजरत का यही कहना है, क्या बाकी मुसलमान रियासतें इस मामले के बारे में जानती हैं। जिसके जवाब में वो कहता है, ये मामला सब जानते हैं, लेकिन वो गाफिल हैं। गजाल खान ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। ममलूक रियासत में मौजूद तुर्क मुसलमान तो अलाई को मदद फराहम कर रहे हैं। दूसरा शख्स कहता है, हमारे मुसलमान कुछ नफरत में हैं और कुछ गुस्से में हैं, जबकि बाकी गफलत में डूबे हुए हैं। सूरत हाल बहुत तफ्तीशनाक है उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान सरदार कहते हैं, अभी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने ذاتی मफाद के बजाय हक की राह पर चलते हैं। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गफलत से दूर हैं, इंतकाम के लिए नहीं बल्कि निज़ाम आलम के लिए तलवार उठाते हैं। एक शख्स कहता है, अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब, क्या नायमान की तरफ से आने वाली पेशकश को कबूल कर लेंगे। उस्मान सरदार कहते हैं, क्या आप नहीं जानते थे कि मैं पहले ही इसे कबूल करने वाला था। यह सुनकर सफेद दाढ़ी वाला कहता है, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए शुजात काफी है, लेकिन दुश्मन के गढ़ में घुसने के लिए अक्ल की जरूरत है। इसके बाद उस्मान सरदार वो मकतूब लेकर वहां से रवाना होने लगते हैं। इधर बाइंदर और उसेद नायमान के करारगाह पर आ जाते हैं। मंगोलों को देखकर बाइंदर कहता है, याजूज माजूज, पता नहीं ये क्या खाकर बड़े हुए हैं। इसके बाद नायमान के आदमी उससे हथियार ले लेते हैं और उसे घुटनों के बल बिठा लेते हैं। नायमान कहता है, तो तुम आ गए, तुम्हारी जान बच गई, अगर तुम मेरे मातहत हो जाओगे तो तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बच जाएगी। सिर्फ इस सरजमीनों पर नहीं बल्कि तुम्हारा सामान पूरी दुनिया में बिकेगा। सावेली कहता है, बाइंदर एक अच्छा इंतखाब है, हमने कोनिया में उस्मान के साथ जो किया उसमें उसका हाथ है।